अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम लोग पढ़ते हैं मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग को हम लोग शॉर्ट में एड भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज है, अखबार, रसायल, रेडियो, टीवी, हर जरिया को हम लोग इस्तेमाल करते हैं और जानते हैं। अब इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, और वो है तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक है प्रिंट मीडिया, एक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और फिर इसके अंदर में डाला जाता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट मीडिया है वो सारे फिर अदर्स में आ जाते हैं। अब आप ये देखो, यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। अब आप लोग ये देखो, प्रिंट फॉर्म में यही दो आते हैं बस, या तो अखबार यानी न्यूज़पेपर, रसाइल्स, मैगजीन्स, ठीक है, यही दोनों प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं। लेकिन यहाँ जो इंटरनेट है ना, ये इसका फॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में थ्री टाइप्स होते हैं, या तो रेडियो के थ्रू, या टीवी के थ्रू, या इंटरनेट के थ्रू हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। इसके बाद है अदर मीडिया। अदर मीडिया में आता है होर्डिंग, पोस्टर, या फिर गाड़ी के जरिए नुमाइश, जो आप लोगों ने ऑलरेडी बताया था। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि ये क्या है। अगर हम लोगों को कोई भी एड देना है तो हम कहाँ पे जाएंगे, हमारे पास कितने पैसे हैं, हम कितने पैसे उस एड में इन्वेस्ट करते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी मीडिया का चुनाव करते हैं। किसी भी मीडिया को जब हम चुनते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ खसूसियत होती है, कुछ फायदे होते हैं कि हम उस मीडिया को चुनते हैं। उसके साथ साथ जहां फायदा होगा वहां नुकसान भी होगा ही होगा, हर सिक्के का दो पहलू होता है। तो हर मीडिया को यूज करने के कुछ ना कुछ फायदे हैं और कुछ ना कुछ उसके लिमिटेशंस हैं। इन सब के बारे में अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। बस ये याद रखिएगा कि मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग थ्री टाइप्स के हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड अदर्स, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रिंट मीडिया के। प्रिंट मीडिया क्या है? जो प्रिंटेड फॉर्म में होता है, जो लिखा हुआ होता है, जो प्रिंट किया हुआ होता है, ये बहुत ही आम जरिया है, बहुत ही कॉमन वे है जिससे हम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है। और ये कैसे है? अखबार और रसायल, जो हम लोग मैगजीन पढ़ते हैं या फिर जो न्यूज़पेपर डेली घरों में आते हैं, उसके थ्रू एडवर्टाइजिंग करना, ये प्रिंट मीडिया में आता है। अब आप लोग ये देखो कि आप लोग जो हो, डेली न्यूज़पेपर आता है ना हर जगह पे, चाहे हिंदी में आए, चाहे उर्दू में आए, चाहे इंग्लिश में आए, इन जनरल ये लोग यही लेते हैं। अब जो अलग अलग लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे कोई बंगाली है तो वो बंगाली का जो प्रिंट होता है वो उस न्यूज़पेपर को पढ़ता है। तो जनरली जो घरों में न्यूज़पेपर आते हैं वो अलग अलग लैंग्वेज में आते हैं, जिस लैंग्वेज में आपको चाहिए। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप उसमें बहुत सारे इश्तिहार को देखते होगे, या तो फिर कहीं पे, या तो आप ये देखते होगे कि उसमें कुछ छपा हुआ होता है कि अभी ये ऑफर आया हुआ है, बाय टू गेट वन, या फिर अप टू 50% ऑफ, है ना। इस तरह के जो ऑफर्स आए हुए होते हैं, ये एड कोई देता है, और वो जो उस पेपर में छपा हुआ एड होता है कि अप टू 50% ऑफ, बाय टू गेट वन फ्री, इन सब के पैसे लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज है कि अब हम लोग सबसे पहले अखबार, न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि सब कोई हम लोग कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर पढ़ते ही हैं, और इसमें क्या होता है कि या तो यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में दिया हुआ, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया, हिंदी, इंग्लिश या उर्दू, जिसको आप प्रेफर करो, या फिर कोई और लैंग्वेज जिसको आप प्रेफर करो, आप वो न्यूज़पेपर ले सकते हो। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे ये चीज है, आप लोगों को करंट जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो वाकयात हो रहे हैं डे टू डे लाइफ में, पूरी दुनिया में, हमारे मुल्क में, हमारे स्टेट में, इन सारी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचती हैं न्यूज़पेपर के थ्रू, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही एक अच्छा जरिया है कि हम लोग जो है वो न्यूज़पेपर के थ्रू एड देखते हैं, या फिर जो स्पॉन्सर होता है वो न्यूज़पेपर के थ्रू एड को देता है। और चूंकि न्यूज़पेपर कोई एक दो नहीं पढ़ता है, हर कोई पढ़ता है, इसी वजह से एक टाइम पे बहुत सारे लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। चलो ठीक है,